पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि अच्छे होंगे। सो आज के सेशन में आपकी मैराथन होने वाली है और इसमें हम लोग करेंगे कम से कम लगभग 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस, ठीक है? तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह करेंगे क्वेश्चंस, यानी कि आप ना कुछ बोल रहे होंगे, अगर आप बोल भी रहे होंगे तो मैं आपको उस चीज़ का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए आपके जो भी डाउट्स हों, जो भी क्वेश्चंस हों, वो आप कृपया हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद में बताएं, तो हम आपका वो डाउट या वो जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ कंसंट्रेट करिएगा अपने क्वेश्चन और आंसर्स पे। अंत में आप अपना स्कोर बताना ना भूलिएगा, ठीक है? तो ये आप देख पा रहे हैं आपकी जो पवन सीरीज़ है उसको मैं पूरा कवरअप करवाऊँगी आपको यहाँ पर। तो कवरअप करवाने से पहले मैं आपको इस सीरीज़ को कुछ बताना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे पीजी पॉइंट ऐप, कौन सा ऐप मैम? हमने कहा बेटा पीजी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल किया है तो इंस्टॉल कर लिया। मैम इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा? हमने कहा वहाँ पर आपको एक PDF EVS की पेड कोर्स में और एक PDF आपको तकनीकी परिप्रेक्ष्य की मिल जाएगी। मान लीजिए वो PDF आपने खरीद लिया और पेमेंट कटने के बाद में आपको वो PDF नहीं प्राप्त हुई किसी तकनीकी कारणवश, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब आप हमें पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे अपना नाम और नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको PDF का एक्सेस दे दूँगी। दूसरी बात, या अगर मान लो आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो pgpoint100@gmail.com पे आप हमको मेल कर दीजिएगा, या पीजी पॉइंट टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में। हम आपको ऐसे ही मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको व्यक्तिगत मैसेज कर देंगे, उसके बाद आप हमें व्यक्तिगत अपना नाम और नंबर भेज दीजिएगा। अपना नंबर ऐसे तो ग्रुप में साझा हो सकता है, ठीक? तो ये तीनों आपके पास तरीके भी हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि PDF खरीदने में कोई दिक्कत आई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक सर का नंबर है ये 94-11-96-91-20। आप इस पर हमसे, मतलब हम नहीं बोलेंगे, इस पर जो DLED वाले सर हैं उनसे आपकी बातचीत हो जाएगी। अगर कभी बहुत गंभीर समस्या आ जाए तो ही इस नंबर पर मैसेज करिएगा, अन्यथा की स्थिति में किसी को परेशान करने की आवश्यकता नहीं, ठीक? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नंबर तब दिया है ना जब आपकी प्रॉब्लम कहीं से ना सॉल्व हो रही हो, ठीक, PDF लेने के बाद में। खैर, अब जरा हम शुरू करते हैं आज का आपका क्वेश्चन, और बाकी के अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज का आपका देखो पहला क्वेश्चन है पर्यावरणवा, एक क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा, ठीक? तो बताओ ज़रा पर्यावरणवा पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? और पता है ये PDF आप ये नहीं सोचिएगा कि भाई ये मैप कहाँ से मिला, आपको क्या चीज़ है, ये आप ही के साथ और सहपाठी, आपकी साथी और सहपाठी ऐसे हैं। जैसे आपके पास कोई PDF होगी तो आप सोचेंगे कि अरे हम क्यों भेजें। तो किसी बच्चे ने, ये नाम है उसका दीक्षा गुप्ता, उसने मुझे ये PDF भेजी है, तो वो हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, है ना? दीक्षा ने भेजी है ये PDF हमें, सो वेरी थैंक यू से टू दीक्षा हु प्रोवाइड मी दिस PDF, जो हम आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक? तो अगर ऐसे ही एग्ज़ाम प्लानर की या और कोई PDF आपके पास हो तो आप हमें भेज दीजिएगा, मैं उसे YouTube पे पढ़ा दूंगी जिससे कि सभी बच्चों का प्रॉफिट हो पाए, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसे अपने टेलीग्राम पे भी भेज देंगे, आपका नाम उसमें मेंशन कर देंगे, ठीक? तो खैर, थैंक यू टू दीक्षा। और अब करते हैं ये क्वेश्चन कि पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है, मृदा, वायु, जल या फिर वनस्पति? तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी वनस्पति, उनका एकदम सही हो जाएगा। आप लोग काउंट करते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, फिर टोटल क्वेश्चन जितने भी होंगे उससे उतने माइनस कर दीजिएगा, आपको एग्जैक्ट स्कोर पता चल जाएगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है, जंतु, प्रवाहित जल, वनस्पति या फिर पारिस्थितिकी? बताइए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रश्न में पूछा गया कि भौतिक घटक क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करिएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं प्रवाहित जल, उनका एकदम सही हो जाएगा। पूछा गया था क्वेश्चन में पर्यावरण और पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है, तो भौतिक घटक आपका प्रवाहित जल है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजिकी शब्द जो है ये सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, टांसले ने, टेलर ने, डार्विन ने या फिर ओटम ने? बताइए। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक तरीके की आपकी ये महामैराथन है ना, और हम चाहते हैं कि अच्छे से आंसर करिए। अगर अभी तक आपने सेशन को अपने साथियों सहपाठियों तक शेयर नहीं किया है तो एक बार सेशन को साझा कर दीजिए, ठीक? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया आपका, तो ऑप्शन डी या बी, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोलॉजिकल सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम आपका टांसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, क्वेश्चन ने पूछा कि प्राकृतिक यानी नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम का क्या एग्जांपल है आपका, खेत, बांध,
पार्क या फिर झील? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इससे पहले की क्लासेस में आपको करवा भी चुकी हूँ। तो फटाफट से जरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा, और जो बच्चे क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर नहीं कर रहे उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप क्वेश्चन नंबर लिखिए 4, उसके बाद में आपको ए बी सी डी जो सही लग रहा है वो आंसर करिए। देखो यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन सी वाला एकदम सही है, जो बच्चे कह रहे हैं झील उनका एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ जरा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक जोड़ते हैं, अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, कार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, या फिर उपभोक्ता जोड़ते हैं? प्रश्न संख्या 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है इसमें जो आपके जैविक और अजैविक घटक हैं इनको कौन जोड़े रखता है, ये बताइए फटाफट से। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5? तो यहाँ पर जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी उनका एकदम सही हो जाएगा। देखो अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो आपके क्या हैं, ऐसे घटक हैं जो जैविक और अजैविक तत्वों को पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़े रखते हैं। पर्यावरण शब्द जो है वो आपका किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच से, लैटिन से, अंग्रेजी से, या फिर रूसी से? बताइए पर्यावरण शब्द जो है वो आपका किस भाषा से लिया गया। प्रश्न संख्या 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। एक बार जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन को शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर कर दीजिए, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आप पीजी पॉइंट चैनल पर नए हैं तो पीजी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जी हाँ। पर्यावरण शब्द जो है वो आपका कहाँ से लिया गया, तो वो आपका फ्रेंच से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकन, या फिर एल्यूमिनियम? स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट से, सबके आंसर नहीं आ रहे, कुछ बच्चे तो सिर्फ देख रहे हैं आंसर नहीं कर रहे, क्या बात है भाई, सबके आंसर आने चाहिए, बोलो फटाफट से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं ऑक्सीजन उनका आंसर एकदम सही हो जाएगा। स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक आपका क्या है, तो ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए है आपका परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीव घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, या फिर जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भाई जल्दी जल्दी आंसर करो, तुम जल्दी जल्दी करवाए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने मेरे को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं देखो उनका एकदम सही हो जाएगा। जो इधर जब मैं स्क्रॉल किया करूँ तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लिया करो, यानी कि जीव समुदाय और उसके, अब देखो यहाँ पर कुछ बच्चों को सी लग रहा था, कुछ बच्चों को डी, लेकिन सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी, पृथ्वी और वायुमंडल के क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं वो तो होता ही इकोसिस्टम, लेकिन जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो आपका संतुलित तंत्र है उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। इन देखो ये वाला क्वेश्चन बताना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया, इनमें से कौन एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, जैसे जल का विनाश या दुरुपयोग, जल का संरक्षण, वनों की कटाई या भूमि अपरदन। पूछा गया कौन सी पर्यावरण की समस्या नहीं है, भाई देखो जल का विनाश होगा, दुरुपयोग होगा, तो ये तो एक समस्या है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। वनों की कटाई, ये भी भाई वन की कटाई होगी तो मिट्टी जो होगी वो मिट्टी का कटाव हो जाएगा, तो ये भी एक पर्यावरण की समस्या है। भूमि का अपरदन यानी भूमि का क्षरण होगा, तो फिर ऊपर की लेयर जो ह्यूमस और नाइट्रोजन वाली होती है वो तो अच्छी अच्छी उपजाऊ वाली बह के ही चली जाएगी, मृदा अपरदन अगर होगा तो फिर उपजाऊ जो मिट्टी है उसका ह्रास हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल का संरक्षण। ये क्या है, ये आपका एक पर्यावरणीय समस्या थोड़ी ना, ये तो अच्छी बात है अगर हम जल को संरक्षित कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी देखो आपका एकदम यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताओ जरा फटाफट से, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं क्या आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु आता है, रिश्ते नाते, संस्कृति आती है, मकान, सड़कें और पूजा स्थल आता है, या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 10 बताइए, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं क्या आते हैं, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी उनका एकदम सही हो जाएगा। क्या मैम हमने कहा, हमने कहा पर्यावरण के अंतर्गत आपका पेड़ पौधे जीव जंतु तो आते ही हैं, रिश्ते नाते संस्कृत भी आती है, मकान सड़क और पूजा स्थल भी आते हैं। क्यों, पर्यावरण में हमने आपको क्या बताया था, परिधन आवरण,
परी का मतलब चारों तरफ, आवरण का मतलब ढका हुआ, यानी कि हमारे चारों तरफ जो चीज़ें, तो क्या हमारे चारों तरफ मकान, सड़कें, पूजा स्थल, मंदिर, ये सब चीज़ें नहीं हैं? तो फिर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, उपर्युक्त सभी। जो बच्चे ए कह रहे थे उनका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 तो बताओ जरा, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया जैविक घटक क्या है, याद रखिएगा हमने कहा था आपसे जो चीज़ें जीवित होती हैं उन्हें जैविक कहते हैं, जो चीज़ें जीवित नहीं होती हैं उन्हें अजीवित कहते हैं। तो क्या मृदा जीवित है? नहीं। वायु जीवित? नहीं। जल? नहीं। तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वनस्पति जो है वो आपका जैविक घटक है, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ जरा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है, फिजिकल कंपोनेंट क्या है? जंतु है, वनस्पति है, पारिस्थितिकी है, या फिर प्रवाहित जल है? प्रश्न संख्या 12 बताइए, फटाफट से बताइए। और भाई अगर क्वेश्चन सही लग रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। और हम चाहेंगे कि इस सेशन में आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप पीजी पॉइंट सर्च करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे ऑप्शन सी उनका एकदम सही हो जाएगा, वेरी गुड। जो प्रवाहित जल है ये आपका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तो आपके स्क्रीन पे है, क्या है कि भाई जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन विज्ञान कहलाता है, भौतिकी कहलाता है, जैव भूगोल कहलाता है, या फिर पारिस्थितिकी कहलाता है? क्वेश्चन पूछा गया था जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी उनका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसी के साथ में जरा क्वेश्चन नंबर 11 तो बताओ, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? उत्पादक के समूह में, उपभोक्ता के समूह में, द्वितीयक उपभोक्ता के समूह में, या फिर अपघटनकर्ता के समूह में? क्वेश्चन नंबर 14, कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है, कवक को? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं ना, अपघटनकर्ता, उसके अंतर्गत आपका कवक को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी का उदाहरण है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? खेत, झील, बांध, या फिर पार्क? अभी ऊपर ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। झील जो है वो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है भाई, कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति है, खेत है, वेटलैंड है, या फिर नदी है? क्वेश्चन नंबर 16 बताओ जरा भाई। कृत्रिम मतलब होता है आपका आर्टिफिशियल इकोलॉजिकल सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी उनका एकदम सही हो जाएगा। जो आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है इसका उदाहरण क्या है, आपका खेत, क्या है? खेत है। नेक्स्ट, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल की बात की गई है यहाँ पर, समुद्री तट, एस्चुरी, खाड़ी, या फिर तालाब? प्रश्न संख्या 17 बताओ जरा, स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? हाँ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी तालाब उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताओ जरा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? उत्पादक, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, या फिर उपभोक्ता? ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अभी आपने किया, अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो जोड़ते हैं, वेरी गुड। एक पारिस्थितिकी तंत्र में, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिएगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? जलवायु संबंधी कारक निश्चित करते हैं, धरातलीय कारक निश्चित करते हैं, जैविक कारक निश्चित करते हैं, या फिर मृदा कारक निश्चित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 बताओ जरा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, कि भाई जलवायु संबंधी जो कारक होते हैं वो एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, कि पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के परस्पर संबंधों का आधार क्या है? उत्पादक, पोषण संबंध, ऊर्जा प्रवाह, या फिर अपघटक? तो
करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन बी पोषण संबंध जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के परस्पर संबंधों का आधार है, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं कौन बदलता है, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक या फिर हरे पादप। प्रश्न संख्या 21 बताइए, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है भाई, ऑप्शन डी हरे पादप। भाई फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है आपकी, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो प्रकाशीय ऊर्जा मतलब सनलाइट की ही प्रेजेंस में तो होती है, जो रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हरे पादप। इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे थे क्यों। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन है बताइए, सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या फिर मृतोपजीवी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी, स्वपोषी अपना पोषण स्वयं करने वाले बताइए, ऐसे कौन से घटक हैं जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, मतलब अब हम अगर ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बता भाई फटाफट से। और हाँ, अगर आपने अभी तक पीजी पॉइंट ऐप को नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें pgpoint100@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं या पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी जो बच्चे कहने पादप उनका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पादप जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। तो इस वजह से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 बताओ, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, भूताप, ग्रीन हाउस गैसें, सूर्य या फिर चंद्रमा। प्रश्न संख्या 23 बताइए जरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंट वाली क्लासेस और हों तो इस चीज़ के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करते हैं, समझ रहे हैं, हम उसको पढ़ के मोटिवेट होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सूर्य, उनका एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, वेल डन, कीप इट अप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा क्या होता है, रूपांतरण। भाई पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है, ऊर्जा का क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, निर्माण होता है, विनाश होता है, स्थिरीकरण होता है या फिर रूपांतरण होता है। हमने आपको एक लॉ भी पढ़ाया था इसी के रिगार्डिंग, जब ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बच्चे कहने ऑप्शन ए, आपने सुना होगा एनर्जी कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। यानी कि एनर्जी जो होती है, ऊर्जा, उसका ना तो हम निर्माण कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको रूपांतरित कर सकते हैं। मैम रूपांतरित कैसे, हमने कहा जनरेटर चलाया, आपने कहा हाँ मैम, हमने कहा उसमें क्या किया, आपने कहा कि यस मैम, क्या किया, हमने कहा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया, आपने मैम कैसे, हमने कहा क्यों, उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी जो आपने जब जनरेटर चलाया तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हुई। इसी तरीके से आप जो ऊपर आपके यहाँ वो आपने देखा होगा ना सोलर पैनल जिसके यहाँ लगे होते पैनल, तो उससे क्या होता है, उससे सनलाइट जो है वो एक तरीके से सूर्य ऊर्जा जो होती है, वो फोटो एलर्जी जो होती है, प्रकाश ऊर्जा जो होती है, वो आपकी किस में बदल रही होती है, वो आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल रही होती है। आ रही है बात समझ। तो इसलिए कहा जाता है कि ऊर्जा जो है वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र में ना तो उसका निर्माण होता है ना तो उसका विनाश होता है, लेकिन उसका रूपांतरण होता है। एनर्जी कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए ज़रा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास कैसे होता है, स्थिरीकरण से, रूपांतरण से, प्रदूषण से या फिर नवीनीकरण से। जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो किसके कारण होता है या कैसे होता है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर मैं बताऊँ, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप आज हमारी इस परिवार में नए हैं तो इस परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल की क्लासेस लेना चाहते हैं, हर एक बात से रूबरू रहना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट जुड़ना ना भूलिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है, ट्रांसफॉर्मेशन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश में किस में बदलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा में।
क्वेश्चन का मतलब है कहने का, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ना आपके, वो सूर्य के प्रकाश को किस में बदलते हैं? सनलाइट जो होती है उसे जब काम करते हैं अपना, अब हम नाम ले लेंगे उस प्रक्रिया का तो आप समझ जाएंगे, तो उसको किस में बदलते हैं क्वेश्चन ने पूछा गया। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया, बाकी क्वेश्चन ऊपर की तरह एकदम, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो कर ले जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा। भाई जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है भाई? उसमें सनलाइट की प्रेजेंस में वो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन ही तो होती है, जिसमें वो अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है? पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुँचती है? 10%, 30%, 20% या फिर 1%? प्रश्न संख्या 27 बताओ जरा। हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए, कितनी पहुँचती है? तो 10% ऊर्जा पादपों से शाकाहारी जीवों में पहुँचती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? बताओ भैया जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चतुर्दिशात्मक, त्रिदिशात्मक, एक दिशात्मक या फिर द्विदिशात्मक? प्रश्न संख्या 28। जो आपका इकोलॉजिकल सिस्टम है इसमें जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा होता है ये पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, तो एक बार जरा सेशन को शेयर और कर दो भाई, क्या बात है, संख्या और बढ़ाओ थोड़ा, ऐसे कैसे मैराथन लगेगा कि हाँ मैराथन हो रही है। एक बार आप अपने दोस्तों तक, साथियों तक, सहपाठियों तक इस क्लास के लिंक को साझा कर दो और बोलो कि इस लिंक, इस वाली क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक दिशात्मक होती है आपकी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशात्मक होता है। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि होने पर ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाना चाहिए? 45 डिग्री से अधिक हो, 55 डिग्री से अधिक हो या फिर 50 डिग्री से अधिक, 50 डिग्री डेसिबल से अधिक है ना, तो कितने डेसिबल से अधिक होनी चाहिए ध्वनि की उसको हम लोग ध्वनि प्रदूषण में शामिल कर सके, बताइए भाई ज़रा फटाफट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 45 डिग्री डेसिबल से यदि अधिक है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, वो एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण में सम्मिलित हो जाएगा। नेक्स्ट, किसकी मापक इकाई जो होती है वो डेसिबल होती है? बताओ, साउंड की, वाटर की, विंड की या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 30 कर रहे हैं आप। हाँ, तो बताइए भाई फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पे है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाइएगा। और आप अब इस स्टेज में हैं कि आपसे आने वाले जो आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या आपसे जो जूनियर्स होंगे वो आपसे पूछेंगे कि दीदी या भैया मैं क्या करूँ, बीएड कैसे करूँ, क्या चीज़ें, तो आप उनको सिलेबस, सेमेस्टर, हर एक चीज़ से रूबरू करवाइएगा। लेकिन हर एक चीज़ से रूबरू करवाते समय पीजी पॉइंट को भूल ना जाइएगा। शायद हमारे इस चैनल ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की हो, अगर थोड़ी सी भी मदद हमारे द्वारा की गई है आपको, तो ये चैनल आपको अगले सेमेस्टर वाले बच्चों तक पहुँचाना है, क्योंकि उनकी भी हमको ऑलरेडी ऐसे ही क्लासेस करवानी है ना। तो कर भला तो हो भला, आपको ये भला करना है। तो किसी मापक इकाई डेसिबल है भाई, किसकी मापक इकाई? तो ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं देखो उनका एकदम सही हो जाएगा। जो आपका साउंड है उसकी मापक इकाई आपकी क्या है? डेसिबल है। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि मानव कर्ण को क्षति पहुंचा सकती है? 90 डेसिबल से, 60 डेसिबल से, 80 डेसिबल से या फिर इनमें से कोई नहीं? मतलब कितने डेसिबल से अधिक अगर आवाज़, मतलब ध्वनि है, तो वो आपके कान को हानि पहुंचा सकती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ क्या होगा भाई, फटाफट से बताओ। ये सब क्वेश्चन हमने आपको डेली क्लासेस में करवाए हैं, इसलिए आज आपके आंसर्स एकदम सही होने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चे का स्कोर खराब हो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। 90 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि है तो कर्ण को क्षति। कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है आपकी? 120, 150, 140 या फिर 125? प्रश्न संख्या 32 बताओ भाई फटाफट से जरा। क्वेश्चन है कि कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि घातक होती है, तो एक बार आज इस बार जरा सबका आंसर आ जाने दो। वेरी गुड, बच्चे इतने सारे लेकिन लाइक्स इतने कम, एक बार देख लो जरा कितनी बेकार सिचुएशन है भाई। कम से कम क्लास अगर आप कर रहे हो, इतने बढ़िया से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो एक बार फटाफट से सेशन लाइक करिए ना, लाइक करने में आपका क्या जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। 150 से डेसिबल से यदि अधिक ध्वनि होती है तो वो घातक होती है। मनुष्य की फुसफुस आहट कितने डेसिबल की ध्वनि है? मनुष्य की फुसफुस आहट कितने डेसिबल ध्वनि है? 30, 50, 10 या फिर 60? बताइए। प्रश्न संख्या 33।
हाँ तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे कि सब बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए उनका एकदम सही हो जाएगा। 30 से अधिक, 30 जो है वो आपकी मनुष्य की फुसफुस आहट 30 डेसिबल ध्वनि होती है। निम्न में से ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस प्रदूषण नियंत्रण के क्या उपाय हैं? कारखानों की स्थापना शहर से दूर पर हो, वाहन में तेज ध्वनि हॉर्न पर रोक हो, उद्योगों में कम ध्वनि वाली मशीन का उपयोग हो, या फिर सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या कि ध्वनि प्रदूषण को जो नियंत्रण है वो कैसे हो जाएगा, वाहन में तेज ध्वनि हॉर्न पर रोक होत इससे भी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा तो नहीं है कि ना कारखाने की स्थापना शहर तो दूर कर दोगे तो कारखाने में कल पुर्जों की आवाज़ उतनी नहीं आएगी, उतनी ही आएगी, है ना, ऐसा तो नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो बेस्ट है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? प्रदूषित वायु को कहते हैं, प्रदूषित हवा को कहते हैं, प्रदूषित जल को कहते हैं, या फिर सभी। प्रश्न संख्या 35, अगर ये क्वेश्चन गलत किया तो नंको लगा दें आप सबके। 35 का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं प्रदूषित जल। इतना सिंपल था क्वेश्चन, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 36 बताओ, जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस पता लगता है? बताओ कौन सी गैस पता लगता है? सिक्तु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, या फिर कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत है, क्या है प्राकृतिक स्रोत? प्रदूषण, मृदा अपरदन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37 बताओ जरा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइएगा। जितनी जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम आपको ये PDF कवर अप करवा देंगे, है ना। तो एक बार फटाफट से आंसर करते रहिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्न में से प्राकृतिक स्रोत है आपका, दोनों ही जो है वो आपके प्राकृतिक स्रोत है, प्रदूषण भी और मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 38 बताइएगा कि दिल्ली में रोज कितने करोड़ लीटर पानी प्रदूषित हो रहा है? 86 करोड़ लीटर, 76, 96 करोड़ लीटर, या फिर 95। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 96 करोड़ लीटर पानी जो है वो दिल्ली में प्रदूषित हो रहा है। चमड़ा उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री आपकी कहाँ है? जापान में, उड़ीसा में, गुजरात में, या फिर कानपुर में। प्रश्न संख्या 39, चमड़ा उद्योग कहाँ है बताओ भाई, वन ऑफ दी बेस्ट क्वेश्चन, बोलो गलत नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अभी कमेंट ना करके आप हमें ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लाइव चैट में तो सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करना है, जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको पूछना है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसी वीडियो के, हम आपको रिप्लाई कर, अभी शायद हम आपको रिप्लाई ना कर पाएँ। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी, कानपुर में जो है वो आपका चमड़ा उद्योग है। सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है? कृषि जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, औद्योगिकरण से, या फिर ये सभी से। क्वेश्चन नंबर 40 बताओ भाई फटाफट से, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है प्रश्न में पूछा गया है। तो जो सबसे ज़्यादा आपका वाटर पोल्यूशन है वो होता है आपका ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन से। नेक्स्ट, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्न में से हैं बताओ। गंदे जल नदियों व जलाशयों में मिलने नहीं दिया जाना चाहिए, जल स्रोत में छोड़ा जाना चाहिए, कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का अतिशय प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी एकदम सही आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण यानी वाटर नियंत्रण, यानी कि जल प्रदूषण नियंत्रण यानी वाटर पोल्यूशन कंट्रोल और निवारण आपका अधिनियम जो है ये कब बना? 1974 में, 76 में, 78 में, या फिर 84 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1974, याद रखिएगा 1974 में आपका जल प्रदूषण नियंत्रण और आपका निवारण अधिनियम बना था। कब बना था? 1974 में। समुद्र में से जलीय प्रदूषण कौन सा है? कच्चे तेल के स्रोत के कारण, विश्व भर से परमाणु कचरा जो आ रहा है, या फिर छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो समुद्र जल के लिए हानिकारक होते हैं, या फिर सभी।
समुद्री जलीय प्रदूषण का कारक कौन सा है पूछा गया है प्रश्न में, प्रश्न संख्या 43 बताओ भाई फटाफट से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं उपर्युक्त सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बताओ मृदा प्रदूषण कौन सी है, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, प्राकृतिक कारकों में बढ़ा हुआ तापमान, खनन कार्यों में, या फिर सभी। मृदा प्रदूषण का कारक पूछा गया है, याद रखिएगा मृदा प्रदूषण का कारक पूछा गया है ना कि मृदा ह्रास। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, जो बच्चे उपर्युक्त सभी की तरफ जा रहे थे तो उनका एकदम गलत हो जाएगा। एक बात बताओ, खनन का कार्य होगा तो मृदा प्रदूषित थोड़ी ना होती, वो तो मृदा का ह्रास होता है। तो मृदा प्रदूषण का कारक है आपका प्राकृतिक कारकों में बढ़ा हुआ तापमान। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, निम्न में से मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कौन से हैं, अवशिष्ट उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कृषि कार्यों में DDT रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, व्यर्थ पदार्थ अपशिष्ट का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए, या फिर सभी। प्रश्न संख्या 45 बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी सभी उनका एकदम सही हो जाएगा। ये सभी आपके क्या है, मृदा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय हैं। पहला कि अवशिष्ट उनके निस्तारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, दूसरा कृषि कार्यों में DDT रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों के अनुचित प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए या प्रतिबंध लगाना चाहिए, व्यर्थ पदार्थ अपशिष्ट का समुचित निस्तारण किया जाना चाहिए। ये हो गया आपका, सारे ऑप्शन सही है। परमाणु रिएक्टर यानी न्यूक्लियर रिएक्टर के समीपवर्ती में रेडियो विकिरण के प्रदूषण को क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों, या फिर रेडियो धर्मी प्रदूषण। प्रश्न संख्या 46 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करिएगा। और एक बार जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी, रेडियो धर्मी प्रदूषण के अंतर्गत आपका ये सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 47 है भाई, रेडियो धर्मी प्रदूषण रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन में कौन कौन से रोग होते हैं, आपके TB, कैंसर दोनों, या फिर सभी। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों ही एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव प्रदूषण में कौन से परजीवी निवास करते हैं, जो आपका जैव प्रदूषण होता है इसमें कौन से परजीवी आपके निवास करते हैं, जीवाणु, कूड़ा करकट दोनों, या सभी। परजीवी की बात की गई तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, जीवाणु। वर्तमान समय में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश आपका कौन सा है, जापान है, चीन है, गुजरात है, या फिर ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश आपका कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं, देखो उनका एकदम सही हो जाएगा, चीन जो है वो वर्तमान में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। समस्या समाधान विधि के आधुनिक जनक आपके कौन हैं, फ्रॉबेल, जॉन डीवी, किलपैट्रिक, या फिर पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन में पूछा गया है समस्या समाधान विधि के आधुनिक जनक हैं, बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी देखो उनका एकदम सही हो जाएगा, वेरी गुड। जॉन ड्यूवी जो है वो आपके समस्या समाधान विधि के आधुनिक जनक है। 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर चुके हो, अर्धशतक लग चुका है, होप चुकी आप इंजॉय कर रहे होंगे। यदि आपको इतने क्वेश्चन अच्छे लगें तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्या है, पर्यटन विधि के जनक कौन है आपके, फ्रॉबेल हैं, पेस्टोलॉजी हैं, सुकरात हैं, या फिर ड्यूवी, बताइए। पर्यटन विधि के जनक कौन हैं आपके, क्वेश्चन 51 है आपका, पर्यटन विधि के जनक कौन है भाई। समस्या है समाधान विधि के आधुनिक जनक तो आपके जॉन डेवी हो गए, तो पर्यटन विधि के जनक आपके कौन हैं बताओ भाई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में कौन है भाई, तो देखो पेस्टोलॉजी, देखो पास है पर्यटन, पास है पेस्टोलॉजी, याद रखिएगा। पर्यटन विधि के जनक आपके कौन है, तो पेस्टोलॉजी है, ठीक। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट या फिर योजना विधि के जनक आपके कौन है, ये तो सबको लर्न होना चाहिए एकदम, सुकरात, रॉबर्ट, किलपैट्रिक, या फिर जॉन डीवी। प्रश्न संख्या 52 बताओ जरा, प्रोजेक्ट यानी कि योजना विधि के जनक आपके कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, किलपैट्रिक जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट या फिर योजना विधि के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए, सर्वेक्षण के प्रकार हैं, यथापूर्व सर्वेक्षण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, निजी सर्वेक्षण, या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 बोलो। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सर्वेक्षण के प्रकार आपके कौन कौन से हैं इसमें से, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, चाहे वो आपका यथापूर्व
सर्वेक्षण हो, निजी सर्वेक्षण हो या प्रतिदर्श पर सर्वेक्षण हो, ये सभी आपके सर्वेक्षण के प्रकार हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं कौन सी, जनसंख्या का भाई बढ़ोतरी हो रही है, जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर, ईंधन का ज़्यादा उपयोग हो रहा है या फिर उपर्युक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूछे गए तो प्रश्न को ध्यान में रख करके आंसर करिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं आपके ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी जागरूकता की कमी, जनसंख्या, ईंधन का ज़्यादा उपयोग, ये सब आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ओजोन का अणुसूत्र क्या है, O3 O2 H2O या फिर N2? तो ओजोन का अणुसूत्र, अगर ये क्वेश्चन गलत किया तो अभी हाल पटक दें हम आप लोगों को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, O3। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में प्रयुक्त गैसें कौन सी होती है, इस ड्रेन में आपकी कौन सी गैसेस इनबिल्ड होती है, मीथेन या हीलियम, नाइट्रोजन हीलियम या फिर आर्गन और हीलियम या फिर सल्फर और नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 56 बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सल्फर और नाइट्रोजन जो होती हैं वो आपकी अम्ल वर्षा में प्रयुक्त गैसें होती हैं। टिक। नेक्स्ट कौन सा था ऑप्शन आपका यहाँ पर, ऑप्शन डी जो है सल्फर और नाइट्रोजन जो है, सल्फर और नाइट्रोजन ये आपका इस ड्रेन में प्रयुक्त गैसें। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे फोरियर, अल्बर्ट थियो, मैडम क्यूरी, क्वेश्चन में है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बोलो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बच्चे कह रहे हैं जे फोरियर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रयोग किया था सर्वप्रथम, तो उनका एकदम सही हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा का संबंध है जंतु विज्ञान से, चिकित्सा से, स्वास्थ्य विज्ञान से या फिर सभी से, क्वेश्चन नंबर 58 बताओ। वेरी गुड, तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। बहुविषय उपागम का संबंध किससे, एक विषय से, कई विषयों से, दो विषय से या फिर इनमें से, कोई नहीं, बहुविषयक उपागम पूछा गया है, इसका संबंध किसके है, तो इसका संबंध आपका किससे है, तो देख लो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, कई विषयों से है, बहु लगा है और विषयक लगा, साफ साफ पता चल रहा है बहु विषयों से होगा इसका संबंध। पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना कब की गई थी बताइए, 1990 में, 94 में, 98 में या फिर, ये भी ऑप्शन सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 60 बताओ, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखो ऑप्शन सी वाले एकदम सही हो, जो कह रहे हैं 1994 में पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61 बताओ, पर्यावरण प्रबंध के लक्ष्य हैं आर्थिक मूल्यों में वृद्धि, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, इंद्रियों का आनंद का संरक्षण या फिर उपर्युक्त सभी, प्रश्न संख्या 61 क्या होगा भाई, फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर। वेरी गुड, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 92 में, 1999 में, 94 में या फिर 2002 में, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, अगर एक बात समझ लो आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल हो जाएगी। पेडागोजी विषय आप अपने एंड से पढ़ते रहिए, EVS और टेक्नोलॉजिकल परस्पेक्टिव की तैयारी तो हम आपकी करवा ही रहे, दो सब्जेक्ट आपको अपने आप से कवर अप करना है, तो एट एनी हाउ उनकी बुक्स या इजी नोट्स या जो भी आपने ले रखा हो उसको टाइम ज़रूर दीजिएगा, उसको पढ़िएगा ज़रूर। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 62 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, और जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी 2002 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ, उनका एकदम सही हो जाएगा। सतत विकास शब्द कब जो है वो प्रयोग में आया था, 1982 में, 87 में, 1990 में या फिर 1989 में, बोलो फटाफट से बताइए भाई क्या होगा करेक्ट आंसर। आप लोगों के आंसर जितनी लेट आएंगे उतनी देर क्लास फिनिश होगी, तो इसलिए हम चाहते हैं जल्दी जल्दी आंसर करो, शताब्दी एक्सप्रेस की तरह एकदम, है ना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी उनका एकदम सही हो जाएगा, 1987 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया बताइए, 1982 में, 92 में, 1985 में या फिर 1995 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी एकदम सही है, 1985 में गंगा
प्राधिकरण का गठन हुआ था, है ना, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन हुआ था। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब शुरू किया, एक नहीं 75 बार सॉल्व करवा चुके हैं ये क्वेश्चन हम, 1970 में, 1972 में, 1973 में या फिर 1983 में। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो बच्चे कह रहे हैं 1973 में, उनका एकदम सही हो जाएगा। गंगा नदी को क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय नदी, सरकारी नदी, राज्यधारा या फिर राष्ट्रीय जलाशय। क्वेश्चन नंबर 66, फटाफट से बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, फिर लटक नहीं जाना, रोने ना लगना, वहाँ पे चुप्पे पढ़ लो, अभी अभी पर्याप्त समय है। और एक बार फटाफट से लाइक कर दो, टेलीग्राम से नहीं जुड़ो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि इस समय हम कभी भी क्लास लगा सकते हैं अचानक से, तो क्लास जब भी लगाएं तो आप कम से कम क्लास में तो आ जाओ, आपके पास एक नोटिफिकेशन तो पहुंच जाए, मैसेज तो पहुंच जाए, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। गंगा नदी को क्या घोषित किया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बताओ, ग्रीक से, लैटिन से, जर्मन से या फिर अंग्रेजी से। अभी ऊपर आपने पढ़ा था ना एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, अब ज़रा बताओ, फ्लोरा एंड फौना वाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो हमने आपको ये पढ़ाया था, तो इसीलिए पूछा गया क्वेश्चन में। फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति किस विषय, किस भाषा से हुई है, जर्मन, अंग्रेजी, ग्रीक या फिर लैटिन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन डी एकदम सही है, लैटिन भाषा से फ्लोरा शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 बताओ जरा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य क्या होते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, बालकों में पर्यावरण जागरूकता लाना, बालकों को खाली समय का सदुपयोग बताना, बालकों को सामुदायिक भावना का विकास करना या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 68, हाँ जी, तो यहाँ पर जैसे सब लोगों का आंसर आपका प्राप्त हो रहा है, ऑप्शन डी एकदम सही है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है, भाई बालक में पर्यावरण की जागरूकता भी हो, साथ में बालकों को खाली समय का सदुपयोग भी बताया जाए और बालकों को सामुदायिक भावना का भी विकास किया जाए। पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, इको क्लब, संगोष्ठी, प्रोजेक्ट वर्क या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 69, फटाफट से आंसर करो। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो बच्चे कह रहे हैं, उपर्युक्त सभी, जैसे इको क्लब, संगोष्ठी, प्रोजेक्ट वर्क, ये सभी आपकी पर्यावरण शिक्षा की पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। वृक्षारोपण के क्या उद्देश्य हैं, भूमि क्षरण को रोकना यानी कि वर्षा की मात्रा में सुधार लाना, या फिर सामान्य लोगों को वृक्ष से होने वाले लाभों को बताना या फिर उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बता दो फटाफट से। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, वृक्षारोपण के उद्देश्य क्या है, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बताइए ज़रा, वनों को नष्ट करने से क्या कुप्रभाव पड़ता है, मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य के प्रकाश पर या फिर दरगाहों की वृद्धि पर। क्वेश्चन नंबर 72, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वनों को नष्ट करने से क्या कुप्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन ए एकदम सही है, मृदा अपरदन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 72, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5th of November, 5th सितंबर या फिर 5th of June। क्वेश्चन नंबर 72 बताइए फटाफट से, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। अगर आपके पास 20 मिनट का सेकेंड है सो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए एक कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिख दिया करो, नहीं कुछ समझ आया करो तो थैंक यू फॉर दी क्लास ही लिख दिया करो, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करो, दैट्स वॉज दी मोटिवेशन फॉर मी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी ही, 5 जून, उनका एकदम सही हो जाएगा। विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ मनाया गया था बताओ, अमेरिका में, अफ्रीका में, न्यूयॉर्क में या फिर ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है, वेरी गुड। तो जो बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, उनका एकदम सही हो जाएगा, विश्व पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आपका न्यूयॉर्क में मनाया गया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताओ जरा, 2 सितंबर को, 16 सितंबर को, 14 अगस्त को या फिर 2 जून को। प्रश्न संख्या 74, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव कब मनाया जाता है, 3 वन्य जीव दिवस आपका कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, 3 अप्रैल को, 13 मई को या फिर 3 अप्रैल को बताओ।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो बच्चे कह रहे हैं। देखो 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 11 अगस्त या फिर 13 फरवरी या फिर 16 नवंबर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताओ, 10 जनवरी, 22 मार्च, 27 मार्च या फिर 18 सितंबर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो भाई, शताब्दी के एक्सप्रेस से, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं 22 मार्च, उनका एकदम सही हो जाएगा। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई, 1 फरवरी, 28 अगस्त या फिर 13 मार्च। करेक्ट आंसर, जिन बच्चों ने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे पीजी पॉइंट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल किया तो फटाफट से प्ले स्टोर में जाकर के पीजी पॉइंट सर्च करके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। रेफरल कोड में आपको पीजी पॉइंट डालना है, पासवर्ड आप खुद अपना बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर आप फ्री कोर्सेज में जाकर के फ्री कोर्सेज की क्लासेज ले सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। पेड कोर्सेज में जाएंगे तो आपको पेड कोर्सेज में ईवीएस का और तकनीकी परिप्रेक्ष्य का कंटेंट मिल जाएगा, उसको ले लीजिएगा। यदि पीडीएफ लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें pgpointhundred@gmail.com पे या pgpointinstagram पे या pgpointtelegram पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो बच्चे कहने 31 मई, उनका एकदम सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, अभी आपने देखा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये और बता दो। जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन ए 11 जुलाई, उनका एकदम सही हो जाएगा। देखो ये तो हो गए आपके पूरे 80 क्वेश्चन, ठीक है। इस पीडीएफ में इतने क्वेश्चन थे तो इतने ही करवाएंगे, अब कह दो मैम 20 क्वेश्चन रह गए, अरे फिर कभी करवा देंगे, लेकिन एक तरीके की है तो ये मैराथनी। तो 80 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हुए फटाफट से ये हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अभी नहीं कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि मैम आई हैव गॉट इतना स्कोर इन 80, या इस तरीके से आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप ऐसी ही क्लासेज और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। पीजी पॉइंट ऐप पर नए हैं तो पीजी पॉइंट ऐप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। एक बार फटाफट से लिख दीजिएगा अपनों के लिए और यहीं से करेंगे हम सेशन को एंड। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, मीट अप विद यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।